कम्युनल पार्टी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पाकिस्तान में जब पार्लियामेंट की कोई सेरेमनी होती है या कोई समारोह होता है, तो जितने भी हिंदू हैं, मान लीजिए 10 हिंदू हैं आपके पाकिस्तान में, तो क्या वहां पर भगवत गीता और हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है? नेवर हमारे नहीं, नेवर नेवर कहा ना आपने, पढ़ाया जाता है क्या? नहीं नहीं, पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पुरसुकून तरीके से आंख बंद करके कुरान की तिलावत सुने हैं, और इन पर अगर उंगली उठी, इन ऐसे प्रधानमंत्री पर, अगर मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि अगर पानी की कभी दिक्कत हो जाए तो हिंदुस्तान में रहते हुए तो हिंदुस्तान की मिट्टी से ही वजू और तयमुम कीजिएगा ना, क्या पाकिस्तान से मिट्टी मंगवाइएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हिंदुस्तान की मिट्टी से, और खुदा कबूल करने को तैयार है, भाई मैं मरूंगी तो मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पे दफनाई जाऊंगी ना। अरे बोलने पे वो बोल देंगे। देखिए, जापान हिरोशिमा में गांधी जी की के स्टेचू की स्थापना रखी गई, और जितने वहां पर हिरोशिमा और जापान के जितने भी एम्बेसडर थे और मिनिस्टर लेवल के लोग थे, मिनिस्टर्स थे, वो हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना किया गांधी जी के सामने। एक वक्त था कि आज भी लोग घड़ियां खरीदते हैं तो उसमें 10-10 का कांटा लगा रहता है, ये वही हिरोशिमा और जापान है जहां पर शांति के लिए, क्योंकि गांधी जी को हम क्यों क्या बोलते हैं, शांति का प्रतीक बोलते हैं हम, फादर ऑफ नेशन को, हमारे बापूजी को किस तरीके से पुकारते हैं, पीस के तरीके से पुकारते हैं, तो जापान जैसे जगह पर गांधी जी के स्टेचू का स्थापना रखा है। आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, आप सोचिए कि इस भारत में ऐसे ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला है, ऐसे ऐसे पाखंडी मौलवी मुल्ला है जो औरतों को नीचे दबाने के लिए कुछ भी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करने को तैयार है, किसी भी तरीके से। मैं जिस भी अनपढ़ जाहिल मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है, भाई सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है हिंदुस्तान में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप भी अग्री करेंगे, देखिए आप एक न्यूज रिपोर्टर है, डेफिनेटली सवाल करने का आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन डिक्टेटरशिप आप मुझे एक बता दीजिए जहां पर दिखाया गया है। देखिए, जो हमारा है वो तो हमारा है, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बेवकूफाना हरकतें की उन्होंने श्रीनगर में, कश्मीर में G20 की मीटिंग को रोकने, और ये नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दलदल में फंस चुके हैं, इनको इनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, पर एक सिर्फ एक मात्र एक चीज है इनके पास, घमंड, ईगो, इसके अलावा और कुछ बच शरफ। पार्लियामेंट के अंदर गजवा हिंद और अखंड भारत का जो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जिसपे पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, हर बंदा भड़क उठ रहा है और बहुत सारी जगहों पे एहतजाज चल रहे हैं, मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे तो खैर बहुत जोश और जज्बे के साथ सामने उभर के आ रही है, हिंदुस्तान के हवाले से क्या हालात चल रहे हैं और क्या है बेसिकली आपकी नजर में? अखंड भारत का जो एक जज्बा देखा जा रहा है और जिस बारे में बात की गई है, साथ साथ ही पीएम मोदी जी ने प्रेज्ड किया था सावरकर जी के बारे में, और सावरकर जी के बारे में काफी चीजें बात बताई थी अटल जी ने, जिस तरह से सावरकर जी के बारे में बताया था उस हिसाब से उन्होंने खूबसूरत अंदाज में बताया। अखंड भारत तो अखंड भारत ही है, इसको तो हम और ऊंचा और खूबसूरत होता हुआ देख रहे हैं, और पता है आजादी के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि सच में अब आजाद हुए हैं, आजादी के बाद अब ऐसा एहसास लग रहा है कि ब्रिटिश से अब मुक्ति मिली है, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में हम बैठा करते थे या हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते थे, वो तो ब्रिटिश का बना हुआ था, अब अपना अपना खुद का एक पार्लियामेंट बना है और निहायत ही खूबसूरत है, जिसमें चाणक्य की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें जिसके इनोग्रेशन समारोह पर हर एक धर्मों की पूजा की गई है, जो पाकिस्तान हर रोज चिल्लाता है कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है ये मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करती है, तो सूरह रहमान की सूरा हुई है, कुरान की तिलावत हुई है, और मोदी जी ने जितनी सुकून से और आंखें बंद करके जितनी मोहब्बत से सारे पूजा को उन्होंने सुना है और आदर और सम्मान दिया है, उतने ही इक्वालिटी के साथ उन्होंने कुरान की सूरह को भी पूरा सम्मान देते हुए सुना है। सीना गर्व से चौड़ा होता है,
अपने आप में ना एक प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इतनी मोहब्बत, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी इक्वालिटी है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर बेटियों को सच में देवी समझा जाता है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर बेटियों को बढ़ने का, पढ़ने का, हवा में उड़ने का मौका दिया जाता है, किसी भी तरीके की कोई बंदिशें नहीं दी जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ बन करके कुछ करना चाहती हैं, और अगर आप, मैं विश एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, तो शायद आपके पाकिस्तान में आपको बहुत दिक्कतें आती होंगी। कि आपका भी सपना होगा कि आप पायलट बन जाएं, आप एयर होस्टेस बन जाएं, आप बहुत खूबसूरत मॉडल बन जाएं, क्योंकि माशाल्लाह आप दिखती भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाएं। तो ये सारे सपने हम नहीं देख सकते हैं अगर हम मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में रह जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान लड़कियां फ्लाइट उड़ा रही हैं, पायलट्स बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, जज बन रही हैं, मजिस्ट्रेट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, और महिला ट्राइबल वुमेन यहाँ पर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये अखंड भारत का जो स्लोगन है वो सच में इन तमाम चीजों को समेटता हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्नति की बात की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की की बात की जाएगी, और भारत को अखंड करके एकता की बात की जाएगी। इतना खूबसूरत पार्लियामेंट है, इतना खूबसूरत है, मानो जैसा लगता है कि ना हम आंखों में एक सपना कभी जिंदगी में हमने देखा था और वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत खुद में बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इस भारत की बेटी हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा हूं मैं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मेरी बातों को सर्वप्रथम रखा है, और मतलब एक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी एक्सक्यूजेस मैंने नहीं सुने हैं। मैंने 3 तलाक का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसको मुद्दा बनाया और कहा कि हाँ 3 तलाक बंद होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा था कि औरतें जो हैं वो अकेले हज पे उनको जाना चाहिए। जब औरत अकेले बच्चा पैदा कर सकती है 9 महीना कोख में रख करके, तो वो हज पे क्यों नहीं जा सकती है। आज देखिए इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि 2018 में सिर्फ 8 मुस्लिम औरतें हज पर गई थी, और ये आज का कल का न्यूज है कि 4,300 इंडियन मुस्लिम वुमेन जो हैं वो अकेले हज पर जा रही हैं। मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में लाखों 10 लाख औरतें जाएंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर भी मुसलमान मौलवी मुल्लाओं ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक और डिबेट में थी, तो मौलवी मुल्ला मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि मुंह नोच लेंगे कि नहीं हमारा हदीस नहीं कहता है कि औरतें हज पर जाएंगी, तब तो भाई इंसान शराब पी लेगा, इंसान जना कर लेगा। भाई आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो 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 मुसलमान बलात्कार करता है, आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो मुसलमान तलाक देता है, आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो अच्छी खासी बीवी होने के बावजूद भी 4-4 शादियां करता है, आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं उन मुसलमान मर्दों के लिए जो शराब पी करके बार और डिस्को में नाश्ता गाता है, आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो हिंदू लड़कियों से शादी करता है, जो हम कलमा लड़कियों को चूज नहीं करता है। आप शराब नवेशी को और जना को आप मिला रहे हैं हज पे जाने से। मतलब जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरबिया का, जो इस कॉपरेशन के लिए तैयार है, जो ये पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है लिखित रूप में कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो भी और खवातीन अकेले यहाँ पर हज पर आएंगी उनको पूरा पूरा हेल्प और कॉपरेशन मिलेगा, किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत उनको होगी हमारी टीम, हमारे हमारे सरकार उसके लिए खड़ी रहेगी। भाई जो औरत 9 महीना पेट में बच्चा रख करके सारे काम कर देती है तुम्हारे घर के, तुम्हारी तिमारदारी कर देती है, तुम्हारे माँ बाप की तिमारदारी कर देती है, वो अकेले हज पे नहीं जाती है। अल्लाह के घर जाने की बात हो रही है, इतना बड़ा पाक मुकद्दस जगह जाने की बात हो रही है, उसको ये मौलवी मुल्ला किससे मिला देते हैं, शराब से मिला देते हैं। आप सोचिए ये खड़े जहन्नमी है। तब मैंने उनसे कहा कि इस्लाम ने तो हमें इक्वालिटी का दर्जा दिया है, इस्लाम पूरे 30 पारे ने कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की तो बात नहीं कही है। सूरह अन्निसा में साफ लफ्जों में कहा गया है कि मर्द और औरत यकसा है। ये तो सूरह अन्निसा की बात है ना, ये तो कुरान की बात है ना। तो
एक इस्लामिक स्कॉलर, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे सकती हूँ कि इस्लामिक स्कॉलर ने कहा है कि जो चीजें कुरान में पूरी नहीं है वो हदीस में पूरी की गई है। मतलब उन्होंने कह दिया कि कुरान पूरा नहीं है, नाउजु बिल्ला। तो मैंने उनसे कहा कि आपका कहना है कि कुरान पूरा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। आप सोचिए कि इस भारत में ऐसे ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला है, ऐसे ऐसे पाखंडी मौलवी मुल्ला है, जो औरतों को नीचे दबाने के लिए कुछ भी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करने को तैयार है, किसी भी तरीके से। मैं जिस भी अनपढ़ जाहिल मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है भाई, सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है हिंदुस्तान में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो दलितों से भी नीचे है पढ़ाई में, शिक्षा में दलितों से भी नीचे है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को 7 कलमा पढ़ने के लिए बोलिएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप पाड़ा गली मोहल्ला में जाकर के कहिएगा कि तुम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ के सुना दो। आप मुसलमान को कहिएगा कि सूरह रहमान ने क्या कहा है बता दो। आप मुसलमान को आकर के हिंदुस्तान में पूछिएगा कि अच्छा ठीक है अत्तयात क्या है वो बता दो, अत्तयात में क्या कहा गया है वो बता दो। वो नहीं बताएगा, वो आपको नहीं बता पाएगा कि अत्तयात क्यों बना, ये सूरह बनी क्यों है, वो ये भी नहीं बता पाएगा आपसे। आपको 3 कलमा याद नहीं है, जो हर वक्त 5 वक्त की नमाज में 3 कलमा इस्तेमाल में आता है। हम 5 वक्त नमाज मुकम्मल नहीं कर सकते हैं अगर हमें अत्तयात ना याद हो और हमें 3 कलमा ना याद हो। वो 3 कलमा के मायने नहीं पता है यहाँ के मुसलमानों को। और ये फतवा जारी करते हैं कि भाई लड़की औरतें अगर अकेले जाएंगी हज पे तो उनका हज पूरा नहीं। भाई ये अथॉरिटी की पोजीशन में आपको डालने की जिम्मेदारी किसने दी है? जब कुरान कह रहा है इक्वालिटी की बात, तो आपने इनइक्वालिटी की बात कैसे कह दी? तो देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस सरकार की वजह से मर्द और औरत को इक्वल फुटिंग का दर्जा मिला है। एकदम शाना बशाना लग करके चलने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का दर्जा मिला है। अखंड भारत इन सारी चीजों को लेकर के बताया गया है। अखंड भारत का मतलब यही होता है कि हर एक व्यक्ति इस धरती पर रहने वाला, हर एक व्यक्ति का बराबर का हक है आगे बढ़ने का, पढ़ने का। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में कुछ लोग हैं जो बहुत अजीब बोलते हैं, कुछ मुसलमान लोग हैं, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नुसरत रूही जहान, जिन्होंने हिंदू से शादी की है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पर उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर बुलेट ट्रेन चला दिया जाए। पर चला के दिखा दिया गया, वंदे भारत चला के दिखा दिया गया। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि भाई कुरान कहता है कि अगर अगर पानी की कमी है तो मिट्टी से वजू करके आप नमाज पढ़िए, हम आपकी नमाज को पूरा करेंगे। तो मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि अगर पानी की कभी दिक्कत हो जाए तो हिंदुस्तान में रहते हुए तो हिंदुस्तान की मिट्टी से ही वजू और तयमूम कीजिएगा ना, क्या पाकिस्तान से मिट्टी मंगवाइएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हिंदुस्तान की मिट्टी से। और खुदा कबूल करने को तैयार है, भाई मैं मरूंगी तो मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पे दफनाई जाऊंगी ना। आज मेरे वालदैन का इंतकाल होगा तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी पे दफनाए जाएंगे ना, तो मैं क्यों ना संविधान से मोहब्बत करूं, मैं क्यों ना हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करूं। तो यही है अखंड भारत। ऐसे ही नाजिया जी, और जिस कुरान की आप बात कर रही हैं उसके अंदर ये भी मेंशन है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करना भी आपको सवाब कमाने के बराबर है। फिर आपने अखंड भारत की बात की, तो आपको नहीं लगता कि अखंड भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा गजवा ए हिंद बना हुआ है जो लोगों से अपनी पावर के थ्रू राइट्स खींच रहा है, जिस तरह आजाद कश्मीर को अपने मैप में शो करवाया, तमाम उन हिस्सों को जो अलग हैं उनसे, उनके नहीं है, उनको अपना बना लिया कि ये हमारा है, ये हमारा हिंदुस्तान है, अब इसको देखो, ये ऐसे पोर्ट्रे किया गया। नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी डिक्टेटरशिप यहाँ तो चल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप भी अग्री करेंगे, देखिए आप एक न्यूज रिपोर्टर है, डेफिनेटली सवाल करने का आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन डिक्टेटरशिप आप मुझे एक बता दीजिए जहां पर दिखाया गया है। देखिए, जो हमारा है वो तो हमारा है। पाकिस्तान की सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बेवकूफाना हरकतें की उन्होंने श्रीनगर में, कश्मीर में G20 की मीटिंग को रोकने के लिए, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। अब मैं अपने वालदैन को अपना ना बोलूं तो किसी और का पराया का बोल दूं। अब मेरे मम्मी वालदैन को अगर कोई दूसरा आकर के मम्मी और पापा बोल देगा
तो वो मुंह पर कह सकते हैं कि हाँ 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 बेटा हम तुम्हारे भी, लेकिन है तो नहीं ना, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो पता चलेगा वो मेरे ही वालदैन है। तो नाजिया जी, पीओ अगर इसी बात में आपने अभी पीओ के बोला, इसी तरह अगर पाकिस्तान की रगों को देखें, पाकिस्तान की शहरग देखें, पाकिस्तान के लोगों को देखें, तो उनकी रगों में खून की जगह कश्मीर दौड़ता है। वो आज भी कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। जिस तरह आप, तो खैर भारत ने तो बहुत बड़ा कदम ले लिया कि मैप पे ही शो करा दिया आजाद कश्मीर हमारा है, तो इन सिनेरियोस पे क्या बोलेंगे? देखिए, जो फिर मैं कहूंगी कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक बात कही थी, कश्मीर हमारी जान है और हम अपनी जान को अपने अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। और हमारे फॉरेनर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने साफ लफ्जों में गोवा में जो G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि 370 की बात अब इतिहास हो चुकी है, अब तो पीओके की बात होगी। अब तो इंडिकेशन तो वहीं पर मिल गया था। मुझे नहीं पता कि आपके पाकिस्तान के लोग समझ क्यों नहीं पाते, मजबूती थोड़ी सी कम है या माथा थोड़ा सा कम चलता है। तो ये बात तो 2022 से कंटिन्यू पार्लियामेंट के अंदर भी की जा रही है, अलग अलग चैनलों के सामने भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मंत्री जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हुए थे, तब उनके सामने भी कह दिया गया था। सेकेंड डे जब G20 की जो मीटिंग हुई थी, उसके सेकेंड डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आपके ही पाकिस्तान की एक एक रिपोर्टर ने पूछा था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में डॉक्टर जयशंकर जी ने कह दिया था कि अब तो 370 तो इतिहास हो चुका है भाई, अब तो पीओके की बात होगी। तो हमें अपने ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है ना कि हम जानते हैं कि जो हमारी चीज है उसको लेकर उठाकर आना कैसे है। देखिए, पाकिस्तान को बहुत जोर मिर्ची लगी है और समाची में पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान नाजिया जी इस वक्त पाकिस्तान कमजोर हालात में है, और इसी वक्त में जो है आजाद कश्मीर का जिक्र हो रहा है कि हम लेके रहेंगे, अखंड भारत में उसको शो भी करवा दिया गया। आपको नहीं लगता पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है? नहीं, जब हिंदुस्तान कमजोर हालात में था तभी तो पाकिस्तान ने अजमल कसब भेजा था ना, उसको तो पता था कि मौन भरत की सरकार है। और आज भी पाकिस्तानी बहुत मिस करते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों चली गई, क्योंकि तब तो अजमल कसब के लिए समुद्र का रास्ता खोल दिया गया था ना। अब तो चीटी आने का रास्ता भी नहीं खोला जा रहा है, तो बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। हम इंतजार करें? और आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो पाकिस्तान की वोटर है, आपकी पैदाइश पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान की जो गुर्बती है, पाकिस्तान में जो भीख मांगने का जो हालत हो गया है, पाकिस्तान में जो आलू बैंगन चोरी कर रहे हैं जनता, पाकिस्तान में अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर से कोकीन बरामद किया जा रहा है, पाकिस्तान के जो मौजूदा सिनेरियो है, उससे क्या आप खुश हैं? क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की में आ जाने वाला है? पाकिस्तान तो धीरे धीरे खाली हो रहा है, वहां के युवा यंगस्टर्स जो है वो तो भाग जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो तो दुबई और शारजा जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जाएगी, पाकिस्तान में एडुकेशन को बहुत इम्प्रूव किया जाएगा, पाकिस्तान में शांति आ जाएगी, जो जिन्ना के वक्त से नहीं आ पाई वो अब क्या आएगी? आपके पास अगर चंद पैसे आज दे दिए जाए ना, आप फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी आपकी सरकार देगी। अगर कोई मदद करने को आगे भी बढ़ जाएगा ना, तो भी न्यूक्लियर बॉम्ब का धमकी आ जाएगा। आप सोचिए ना कि क्यों, आखिर क्यों पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को किनारा कर दिया है, पूरी दुनिया क्यों नहीं चाहती है इससे इसके साथ बैठना? अब कोई तो वजह होगी ना। चलिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो हमेशा रहा, लेकिन क्यों बाकी लोग क्यों छोड़ दिए हैं? और आज आज की न्यूज ने तो और भी चार चांद लगा दिया है कि भाई अब तो नए पार्लियामेंट की तारीफ चाइना भी कर रहा है, 60,000 वीजा का भी प्रपोजल दे दिया है, पूरे पूरे रेशियो के साथ वो चाइना जो है वो इंडिया के न्यू पार्लियामेंट को लेकर के, अखंड भारत को लेकर के, वहां की इनोग्रेशन समारोह को लेकर के तारीफ का भंडार लगा दिया है। तो अब पाकिस्तान की सरकार का आखा भी अब हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। देखिए, हम तो किसी को बोले नहीं ना कि आप मेरी तारीफ कीजिए। देखिए, पापुआ में जाकर के जो भारत के प्रधानमंत्री का जो पैर छुआ गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया, ये तो किसी ने बोला नहीं था उनको, ये तो उनकी इमोशनल फीलिंग आई कि हमको ऐसा करना है, उनको ऐसा फील हुआ कि ये आदमी सच में ऐसा है कि हम कर सकते हैं। सिडनी में उनको द बॉस बोला गया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, तो हमने तो कुछ बोल नहीं दिया था कि आपको द बॉस बोलना है, और वो इतने इतने तो कमजोर नहीं है कि हमारे बोलने पर वो बोल देंगे।
देखिए, जापान हिरोशिमा में गांधी जी के स्टेचू की स्थापना रखी गई, और जितने वहां पर हिरोशिमा और जापान के जितने भी एम्बेसडर थे और मिनिस्टर लेवल के लोग थे, मिनिस्टर्स थे, वो हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना किया गांधी जी के सामने। एक वक्त था कि आज भी लोग घड़ियां खरीदते हैं तो उसमें 10-10 का कांटा लगा रहता है, ये वही हिरोशिमा और जापान है जहां पर शांति के लिए, क्योंकि गांधी जी को हम क्यों क्या बोलते हैं, शांति का प्रतीक बोलते हैं हम, फादर ऑफ नेशन को, हमारे बापू जी को किस तरीके से पुकारते हैं, पीस के तरीके से पुकारते हैं। तो जापान जैसे जगह पर गांधी जी के स्टेचू का स्थापना रखा गया, तो ये किसने किया, या भारत के प्रधानमंत्री ने किया? वो चाहते तो मना कर सकते थे, पर उन्होंने तो मना नहीं किया। तो ये चार्म है, ये ग्लैमर है, और ये ग्लैमर, ये चार्म, ये पॉपुलैरिटी, ये इतना ज्यादा उनका उनका उत्साह, ये ऐसे नहीं आ रहा है, लोग देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि वाकई में ये आदमी काम कर रहा है, ये अपने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक करके रखा हुआ है। और इसके कैबिनेट में जितने लोग हैं, इसके छोटे से छोटे वर्कर को उठा लीजिए और बड़े से बड़े मंत्री को उठा लीजिए, सब इक्वली काम कर रहे हैं। आज अभी रात का 11 बज रहा है, आपने मेरे से कहा, मैंने कहा हाँ करते हैं डिबेट, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो नहीं कहा मुझे सोना है। तो ये जो आराम, नेपोटिज्म, बादशाहियत, ये जो मुगल की तरह पड़े रहना, सुस्ती में रहना, कुछ नहीं बोलना, काम नहीं करना, ये जो चीजें थी ना, ये कभी हुआ करती थी? ये मोदी जी की सरकार है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ 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 है कि जैसे चौकीदार पूरे पूरे अपार्टमेंट के लिए चौकीदारी करता है, उसी तरीके से हम चौकीदार हैं, और सबके साथ, सबके विश्वास के साथ हम लोगों को उनकी हिफाजत के लिए दिन रात जाग करके मेहनत करनी है, और पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान के परिवार को अखंड भारत के अंदर खुश रखना है और तरक्की याफ्ता बनाना है। नाजिया जी, आज हिंदुस्तान पावरफुल है, मोदी जी का बहुत नाम है, हर तरफ बोलबाला है, हिंदुस्तान का सिक्का चलता है, तो चाइना भी तारीफ करने पे मजबूर हो गया, मगर पाकिस्तान अभी भी बजद है, कुछ नहीं बचा, मगर फिर भी अना के हाथों मजबूर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है मुसलमानों का, ईगो, ईगो जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ है जो चेंज हो जाते हैं, कुछ है जो बजद रहते हैं कि हम चेंज नहीं हुए, हमको चेंज नहीं होना है, ये तो उनका उनका प्रॉब्लम है। देखिए, आप हिंदुस्तान भी आ जाइएगा तो यहाँ के भी एक गुट है मुसलमानों का जो बजद है कि हमको औरत को अपने पैर की जूती बना कर रखना है, हमको औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखना है, हमको औरत को नौकरानी बना कर रखना है। तो ये जो एक एडमेंट और स्टबर्न नेचर है वो पाकिस्तान का है, बिल्कुल है, और ये नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दलदल में फंस चुके हैं, इनको इनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, पर एक सिर्फ एक मात्र एक चीज है इनके पास, घमंड, ईगो, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। अंदर तरीके से ये भी जानते हैं कि इनका इनकी पोजीशन जो है वो इख्तिताम पे पहुंच चुकी है, खत्म पे पहुंच चुकी है, ये ड्रामा खत्म हो चुका है। हमारे लिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं है, हम आसमान है वो जमीन। नाजिया जी, अगर चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से पाक चीन दोस्ती के नारे लगाता आया है, पाकिस्तान को भी बड़ा घमंड था चीन की दोस्ती पे, हर दूसरी जगह पे कहीं रोड्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो कहीं सीपैक जैसी चीजें, मतलब हर जगह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान के साथ अपना फ्लैग जोड़ना अपना बड़ा जो है ना जाति मफाद समझता था, मगर अब जहां बात आई उनकी अपनी और उन्होंने G20 को पाया तकमील तक पहुंचते देखा कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हो गई है, तो उन्होंने भी रंग बदल ली, अब क्या होगा पाकिस्तान? देखिए, मैं तो शुरुआत यहां से करूंगी कि चाइना को आका समझने वाला कभी ये नहीं झांक कर देखा कि चाइना में औरतें बड़ी बेबाग होती हैं, बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, औरतों का एक मर्तबा होता है, तो पाकिस्तान में औरतों को इतना डिप्राइव करके, इतना मजबूर करके क्यों रखा जाता है, पता नहीं इतना ज्यादा रुलाया क्यों जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आप तो, आपकी सरकार तो कोविड जैसे क्रिटिकल सिचुएशन पर भी चाइना पर ही डिपेंडेबल थी, अब देखिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्लाह ही बचाए पाकिस्तान को, मैं तो जरूर कहूंगी कि अल्लाह ही बचाए पाकिस्तान को, पर घमंड जो होता है ना वो टूटता है, ये तो खुदा ने भी कहा है, ये तो खुदा के रसूल ने भी कहा है कि घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को तोड़ करके नेस्त नाबूद बर्बाद कर देती है,
घमंड एक तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो खुदा और खुदा के रसूल को भी पसंद नहीं है। घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद करके आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। तो ये जो इनको सामने में अजर मिल रहा है, नतीजा मिल रहा है, ये इनको इनके घमंड का मिल रहा है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं कहूंगी, मैं हर एक उस व्यक्ति को कहना चाहूंगी जिसको घमंड है, चाहे ख्वाह वो किसी को अपने मर्द होने का घमंड है, किसी को अपने बहुत तरक्की याफ्ता होने का घमंड है, किसी को अपने बहुत खूबसूरत होने का घमंड है, किसी को अपनी बहुत पॉपुलैरिटी का घमंड है, किसी को अपने बहुत शरीफ होने का घमंड है, ख्वाह वो किसी भी अंदाज में हो, घमंड घमंड नेस्त नाबूद और चकनाचूर बर्बाद होता है। और सामने वाले व्यक्ति जो जो घमंड में मुब्तिला होता है उसको बर्बाद कर देता है। और आज पाकिस्तान उसकी जिंदा मिसाल है। देखिए, कुरान की कहीं भी एक भी बात कभी जिंदगी में गलत हो नहीं सकती है। मैं कुरान को बहुत मानती हूँ, मैं हदीयत हदीस वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं 30 पारे से बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ, और 30 पारे ने इस बारे में बताया कि आप जैसा बोएंगे आप वैसा पाएंगे, जिसको हम एक कोर्ट में भी कहते हैं कि कर्मा इज अ बूमरैंग। तो घमंड ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, और अब वक्त नहीं है संभलने का। देखिए, एक होता है ना कि हम थोड़ा सा गुनाह करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई हमने गुनाह किया था, हम इस माफी की तलाफी कर लेते हैं, खुदा ने कहा है कि भाई हमसे माफी मांगो हम माफ करेंगे, ये तो